किसी का डर नहीं, तो हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। तो धीरे 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 तो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। तो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। बिल्कुल साधारण कटपीस है, लेकिन बहुत अच्छा कटपीस है। आप लोग सुनेंगे तो आनंद आएगा। धीरे धीरे कोई सुन ले। सभी लोग जानते हैं 14 जुलाई को अपना चंद्रयान छोड़ा गया था, छोड़ा गया था, और 23 अगस्त को चांद पर स्थापित भी कर दिया। स्थापित हुआ तो कहना पड़ा। सुने सुने एक एक लाइन आनंद आएगा आपको, केवल सुनिएगा। चंद्रयान में सफल रहा विद्या, सचदेवा भाई आप बुरा ना मानिए, और सभी जनमानस से निवेदन है, सीमा हैदर और अंजू गाने का विषय नहीं है, ये गाने का विषय नहीं है, गाने का विषय ये है। सुनिएगा। चंद्रयान में सफल रहा विद्या, तो गया सोम तक सोमनाथ का ज्ञान, तो गया सोम तक सोमनाथ का ज्ञान, और ज्ञान से ज्ञान से नीचे उतर गया प्रज्ञा। सचदेवा जी जब जब ज्ञान से नीचे उतर गया प्रज्ञा, तो ज्ञान मिलेगा कि ज्ञान मिलेगा जिससे थे अनजान। क्या बात बेटे, क्या बात। आज तक कोई नहीं जानता था कि चंद्रमा पर क्या है और क्या नहीं, कि ज्ञान मिलेगा जिससे थे अज्ञान। और हमारे भारत सरकार के पहले और भी देशवासियों ने प्रयास किया है, प्रयास भी किया, उपहास भी किया है, हंसी भी उड़ाई है, कहना पड़ा कि ज्ञान से नीचे उतर गया प्रज्ञा, तो ज्ञान मिलेगा जिससे थे अज्ञान। लगते रहे लख चाल को, सभी लोग देखते रहे, लखते रहे लख चाल को, तो जाने नहीं उस चाल को। हमारे माननीय मोदी जी की उस चाल को कोई नहीं समझ पाया। लखते रहे उस चाल को, जाने नहीं उस चाल को, कि रह गए वो जो भेजा
जब भेज दिया तो देखिए अगर प्रयास के बाद भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, कैश हो गया। जब कैश हो गया तो देखिए हमारे भारत सरकार हंसने लगी कि ये भी हो जाएगा, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा। लग 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 हंसते रहे लख चाल को जाने नहीं उस चाल को, तो रह गए हाथों को मने। हमारे विपक्षी हमारे विरोधी रह गए हाथों को मने, उंगली दबाता तो तले। ये क्या हो गया उंगली दबाता तो तले, धीरे 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 तो धीरे धीरे चल के प्रमाण दिया, धीरे धीरे चल के प्रमाण दिया तो चांद पे झंडा गाड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब वहां भी तिरंगा हमारा लहराया तो कहना पड़ा, जो हमारा तिरंगा वो झंडा वहां भी चांद पर भी लहराने लगा तो कहना पड़ा। सुनिए कि धीरे धीरे चल के प्रमाण दिया झंडा धीरे चल के प्रमाण दिया झंडा गाड़ दिया, धीरे धीरे चल के प्रमाण दिया झंडा गाड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी ताली ताली, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। प्रेम भारत माता की जय। का टिकट लगेगा क्योंकि 600 करोड़ में चंद्रयान पर गया है प्रज्ञान, तो 600 करोड़ में ऑटो वाला ले जाएगा लेकिन उधर से खाली आएगा, इसलिए 1200 करोड़ लगेगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सचदेवा जी को बुलाते हैं, जोरदार ताली हो जाए सचदेवा जी के लिए। बहुत सुंदर कहना क्या सम्मान लेके चलता हूँ। साहु जी आप देखो अपने दिल में क्या हो, नेकी मान लेके चलता हूँ, क्या हो बड़े बुजुर्गों का सम्मान लेके चलता हूँ। जय हो बिल्कुल। मेरे सीने में लिख दो बंदे मातरम, वाह। मैं अपने सीने में हिंदुस्तान लेके चलता हूँ। और क्या चाटी कम करो, गाना कह रहा है क्या हमको किसी का डर नहीं, ये जोर जवानी पर नहीं। Ha ha ha!
हो जाए के बदनाम कोई देख ले तो देख ले कोई जान ले तो जान ले कोई जोर जवानी पर नहीं कोई जोर जवानी पर नहीं पर धीरे धीरे बोल कोई सुनता ले सुनना ले कोई सुनता ले न कोई पंगा होना चाहिए भाई जी, हम में और तुम में ना कोई पंगा होना चाहिए, हिंदू मुसलमान में ना कोई दंगा होना चाहिए। क्यों लड़ते हो लाल हरे रंग के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों लड़ते हो लाल हरे रंग के लिए? अरे हमारी छत से बस एक तिरंगा होना चाहिए। बढ़िया का पीस है, बढ़िया बढ़िया गाना आपने गाया है। जैसे ही गाना गा रही थी नीलम बहन जी ऊपर से कहने लगी, रूस ने भी एक भेजा, तो तुरंत नीचे देखे वो क्रैश हो गया है, तो बोले वो क्रैश हो गया। महाराज आप बहुत मेहनत करते हो, सारी बातें बताते हो, हमें लग नहीं रहा आप बहन मेहनत नहीं कर रही हो, सब बातें बोला करो आधी बात, फिर हमारे दीपक महाराज बताते हैं, बताओ बेचारे जवाब भी लिख रहे हैं, फिर नीचे से ये भी बताओ क्या बोलना है। एक कलाकार तो उनको पुनः बताना पड़ता था कि पुनः लगा लगा। और छुप छुप के रोया करते हैं। बढ़िया जवाब, बढ़िया कटबीज का भी बढ़िया आपने जवाब दिया। आइए प्रयास कर रहा हूँ, झंडा जब गाड़ दिया बहन, जब झंडा गाड़ दिया तो हम लोगों ने विचार किया, क्या भाई जी झंडा गाड़ दिया तो हमने विचार किया, इसरो के चीफ जिनका नाम है एस शंकरन लाइन कह रही है, क्या सावन में कार्य हुआ है महान, बजाते हो टुपक 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 टुपक, ये इसकी भी नकल कर लो हिसाबी, लेकिन बोल नहीं पाओगे, चैलेंज है चार दिन के लिए। हिसाबी भैया को कुछ ना कहीं ना बहुत सीधे आप बताने लगी, इतना अच्छा कटनी से बहन, उसमें भी आपने इतना काम लगा रखा है, अभी दो काम अभी हम और देंगे ढोलक में बहन, जितना आपने काम लगा रखा है सिर्फ नीचे वाली लाइन समझ में आ रही, पूरी कटबीज में कुछ समझे में नहीं आया। अब बताओ इतनी छोटी कटबीज उसमें भी इतना आपने काम लगा दिया है, थोड़ा हल्का गाना गाया करो, हम बच्चों को देखा और क्या, तभी बच्चे लोग सो गए। सावन में कार्य हुआ है ये महान, शिव की कृपा से उतर गया है यान। ये भाई जी
ये पहली बार हुआ है। कई देशों ने कोशिश की लेकिन उस जगह तक यान नहीं उतरा जिस जगह ये यान उतरा है। पहली बार हुआ है और उस स्थान का नाम क्या है बड़े भैया? जहाँ पे उतरा उसका बढ़ाया मान। दीपक महाराज सब बातें बता देते हो। जहाँ पे उतरा उसका बढ़ाया मान। और भाई जी अरे नाम दिया है शिव शक्ति स्थान। ये है जगह उतरा उसका नाम दे देगा शिव शक्ति। हाँ शिव शक्ति ये है यूपी 78। बहन जी थोड़ा थोड़ा सरल शब्द में गाया करो बहुत कठिन गा देती है। अरे नाम दिया है शिव शक्ति स्थान जो पाके है होता खाके है भारत की जम गई थाक है। ये तो है ये तो है ये तो है जो पाके है। देखो एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ इतनी छोटी बात जो तू कार्य करता है जो तेरे कार्य करने से उससे पाप होता है। भाई जी तेरे कार्य करने से पाप होता है क्यों नहीं तेरे मन में संताप होता है। तू चाहे जितना बढ़ चढ़ जाए पाकिस्तान तू चाहे जितना बढ़ चढ़ जाए पाकिस्तान क्योंकि बेटा बेटा होता है बाप बाप होता है। लेकिन बहन शब्दों में गाकर बहुत कठिन गाती हुआ और क्या कहना। जो पाके है होता खाके है भारत की जम गई थाके है। तो रायन कह रही है अरे भारत किसी से कम नहीं ये भारत किसी से कम नहीं दम नहीं। है कोई भारत भाई भाई लाओ 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 जाओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ फिर ले आओ ले ले जो टकराए हमसे इतनी दम नहीं। मैंने एक चीज देखा क्या उस पाकिस्तान के ध्वज में उसने चांद के रंग में रंगा है उसने ध्वज में चांद को रंगा है यहाँ चांद पे अपना तिरंगा है। इसको कहते हैं मुंह नुचुआ जवाब। आओ ले आओ ले आओ जाओ जाओ माना नहीं धर दे। भाई जी बहुत कठिन आशिक थे धर दे ले 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 लो हमारे परम सत्य गुरु जी टक्के गुरु जी आप तरफ से 51 रुपए हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन महाराज महाराज लो फिर बस ले महाराज जी डायरेक्ट बताओ धरे सीधा बहुत महाराज बहुत बताते हो। क्या नाम भैया? जीवन स्वीट हाउस जीवन स्वीट हाउस आप तो 51 रुपए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। अठेनो भाइयों को बता दूं महाराज आपके जैसे लेखक हम लोगों के पास होने चाहिए। कितनी आप मेहनत करते हैं भाई जी आप इतनी मेहनत करते हैं ले ले बाबा ले अरे वाह दो लोग देखो मारो जीजा भाई ने बेचारे दे दे दो का तुम्हारे पास पैसा कहाँ कमी है देओ लाओ पूरी कट्टी ही पकड़ाओ लाओ। ये हमारे बड़े भैया तरफ से 51 रुपए हमारे कोरस वाले पहले भाई साहब 51 रुपए कोरस वाले दूसरे भाई साहब और 51 वाले तीसरे कोरस वाले तो है नहीं वो बड़ा हम सोचे रचनाकार जी को दे दिया। बिल्कुल 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 बड़े भाई साहब भाई जी बहुत आप मेहनत करते हैं इतनी मेहनत हमारे दीपक महाराज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखो बहन खड़ी होती भाई जी सुन लो देखो सुन लो सुन आयो कितनी मेहनत करता जी। और जब हमारी नीलम बहन उठती है कहती है देखो हमारे दीपक महाराज ने लिखा है बिल्कुल साधारण गीत सूचने की बात ये है कि नीलम जी गा रही नीलम विश्वकर्मा छतरपुर नीलम विश्वकर्मा जी गा रही
लिखा गया दीपक महाराज ने लिखा है और गीत साधारण है। यही कष्ट की बात है, उनको गाना साधारण नहीं है, गाना बहुत भयंकर है आपका। और क्या, लेकिन कहना नहीं चाहिए साधारण गाना है, गाना आपको बहुत अच्छा अच्छा गाए मांगे भाई जी सुनिएगा। उसने ध्वज में चांद को रंगा है, यहाँ चांद पे अपना तिरंगा। चांद पे अपना तिरंगा है, चांद पे अपना तिरंगा है। एक बार जोरदार ताली हमारे पुत्री भैया के आप बजा दें। वाह, और क्या, ये जल्दी पैसे देते नहीं है, बहुत सोच सोच के पैसे देते हैं। हमारे पुत्री भैया की तरफ से जयराज मोहन आत्र से 200 रुपए आए हैं, कुछ माल आया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और बहन अगर बन गया हो छोटे भाई से तो आशीर्वाद देना। अब एक गाना आपका बहुत भयंकर है, उसको भी गा दें।